नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने दो दिन पहले आपको 2D एरे का प्रोग्राम दिखाया था सी लैंग्वेज में बनाकर, आज हम 3D एरे को किस तरीके से हम काम करते हैं वो बताएँगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, एरे क्या होता है। 2D एरे हम बना चुके हैं, हम चलते हैं दोस्तों 3D एरे के पास। और 3D एरे में आप ये देखिए, ये मैंने प्रोग्राम यहाँ से कॉपी कर लिया है। आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको कॉपी नहीं करना है, आपको इसको लिखना है। लिखने के बाद आपको इसको कोड ब्लॉक पर लेकर आना है। अब यहाँ समझते हैं क्या हो रहा है दोस्तों। जैसे कि 2D एरे में होता था, हम रोज़ और कॉलम की वैल्यू लेते थे, तो हम दो वेरिएबल ले लेते थे। यहाँ आप देख रहे होंगे हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, ये आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड। क्योंकि दोस्तों हमें एक और वेरिएबल इसलिए चाहिए क्योंकि 3D एरे में हम अलग अलग मैट्रिक्स को बनाते हैं, जिसको कि हम यहाँ लेयर्स नाम दे रहे हैं लेयर्स के फॉर्म में। तो हमें नंबर ऑफ़ लेयर्स बतानी होंगी कि कितनी लेयर्स हम कितने मैट्रिक बनाने वाले हैं, देन डिसाइड किया जाएगा कि उसके अंदर रोज़ और कॉलम कितनी आएंगी। तो हमने किया क्या, 3 वेरिएबल लिए, पहले लेयर पूछ लिया। मान लीजिए लेयर यहाँ पर मिल जाती है आपको 2, तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आपको अगर 2 लेयर मिल गई हैं तो इस तरीके से आपके जो है ये एक हो गया है मैट्रिक, ये हो गए हैं 2। 2D एरे में दोस्तों सिर्फ एक मैट्रिक बनता था, 3D एरे में आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं। ये लेयर्स आ गई हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू दी थी तो 2 लेयर आ गई हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ उसके अंदर कि आपको रोज़ और कॉलम कितने चाहिए, तो मैं रोज़ और कॉलम भी जो है 2 और 2 ले लेता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे ध्यान से, आपको जो है यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू यूज़र से लेनी है, 4 हो गई पहले मैट्रिक में और 4 हो गई है दूसरे मैट्रिक में। ये 8 वैल्यूज अब हमें लेनी होंगी और इसके लिए हमने ये एरे डिक्लेयर कर दिया है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई है, लेयर को भी 2 दिया गया था और रोस और कॉलम को भी हमने 2 दिया है। अब हम फॉर लूप की मदद से जो है इसको स्कैन करके यहाँ वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। आप ये नेस्टेड लूप यहाँ देख रहे होंगे, हम फॉर लूप चला रहे हैं। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे के अंदर तीसरा लूप। पहले चलेगा आई, आई मतलब कि हमारा लेयर, और लेयर चलेगी 1। ये है पहली लेयर, ये है दूसरी लेयर, ये देख सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि हम 2 देंगे तो यहाँ पर पहली बार में आई चलेगा क्योंकि एरे की वैल्यू जो है इनिशियलाइज होती है 0 से और चलेगी यहाँ 1 तक। तो पहला लूप यहाँ से करेक्ट हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। अब हम अंदर चलते हैं और रोज़ के अंदर आते हैं, रो भी 0 रहेगा। हमें वाई में वैल्यू मिल रही है 2, तो ये पहली वाली ट्रू है। अब हम आ जाते हैं कॉलम के अंदर, और कॉलम के अंदर आने के बाद हमने वैल्यू को स्टोर करा दिया है। तो पहली वैल्यू आप जो भी देंगे, मान लीजिए मैं 1 दे देता हूँ, तो ये 1 हो गई है स्टोर। अब ये यहाँ से जो है प्लस प्लस हुआ, के की वैल्यू 1 हुई क्योंकि के की वैल्यू जेड की वैल्यू 2 है, तो के की वैल्यू 1 भी ट्रू मानी जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम देंगे तो हम यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू देने वाले हैं 2, तो मैंने इस तरीके से दे दिया है 2। अब ये यहाँ हो जाएगा फॉल्स। अब हम प्लस प्लस करेंगे तो हमारा जे प्लस प्लस होगा, और जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये फिर ट्रू होगी, फिर के अंदर आएगी, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम और ऐसे दे देंगे 3, और ये मैंने दे दिया है 4। दोस्तों जैसे ही ये दोनों लूप फॉल्स होंगे, अब प्लस प्लस किया जाएगा और आई प्लस प्लस हो जाएगा। अभी आई 0 था, ये वाला चल रहा था, अब आई 1 हो जाएगा तो ये वाला चलेगा। और जैसे ही हम अंदर आएंगे तो हमें ये पूरी वैल्यूज़ को स्कैन करके भरते जाना है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पर दे देता हूँ 5, 6, और ये मैं दे देता हूँ 7, और ये मैंने दे दी है वैल्यू 8। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये लूप बन गया है, ये हमने यहाँ पे स्कैन करके वैल्यूज़ को अंदर ले ली हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें प्रिंट भी कराना है, तो जब आपको प्रिंट कराना होता है तो सेम आपको लूप, जिस तरह से आपने स्कैन किया था वैल्यू को स्टोर कराई थी, वही सेम लूप आपको यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए लगाना पड़ेगा। हमने लगा दिया है, ये स्लैश एन लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें लाइन कन्वर्ट करनी है। अब हम आपको जो है इसको रन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ चलते हैं रन पर, और रन पर आने के बाद अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लैक विंडो स्क्रीन आने वाली है ये करेगी क्या, और आपको बेहतर समझ आएगा। सबसे पहले मांग रहा है लेयर, मैं यहाँ साइड कर देता हूँ। हमने लेयर दिया था 2, तो मैंने 2 दे दिया है, एंटर किया। अब ये बोल रहा है कि उन लेयर्स के अंदर कितनी रोज़ और कॉलम चाहिए, तो हमने 2 और 2 ही आपको समझाए थे, तो 2 रो और 2 कॉलम मैंने ले लिए हैं। अब एलिमेंट देना शुरू करना है 3D एरे के अंदर, तो क्योंकि 2 इंटू 2
अगर ये दो लेयर्स में जाएंगे तो हमें चार वैल्यू इंसर्ट करनी है। मैं जल्दी से आपको पहले लेयर में चार और दूसरी लेयर में चार वैल्यू इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ये आठवें नंबर की वैल्यू को स्टोर किया, 3D array जो है आप लाइन नंबर 23 देख रहे हैं, इसने प्रिंट करना शुरू किया और शुरू करने के बाद इसने पहले मैट्रिक में 1, 2, 3, 4 और दूसरे मैट्रिक में 5, 6, 7, 8 वैल्यू को जो है स्टोर कर दिया और ये हुआ आपका 3D array। ये था दोस्तों 3D array का प्रोग्राम। इसको वीडियो को एक बार पीछे जाकर फिर से समझिए, इसको कॉपी पर लिख कर देखिए। अगर आप ये लूप जो है, देखिए ये लूप अगर आप लगाना सीख गए और इसकी प्रोसेस लिखना सीख गए, आप एक बार कॉपी पे भी लिख सकते हैं कि ये कब ज़ीरो और कब प्लस हो रहे हैं, कब फॉल्स हो रहे हैं, कब ट्रू हो रहे हैं, आपको जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और ये 3D एरे का प्रोग्राम आपको बहुत छोटा लगने लगेगा और बहुत आसान लगने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं और किस टाइप के प्रोग्राम आप सी लैंग्वेज में हमसे चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।